दोस्तों, अगर आप लोग जियो का एक सिम कार्ड यूज करते हो और आप लोग अपने 5G फोन में जियो का सिम डाल के 5G नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हो और आपके जियो सिम कार्ड को लेकर और यहाँ पर 5G नेटवर्क को लेकर काफी सारे डाउट हैं, तो आप सभी लोगों के डाउट को लेकर अब यहाँ पर ऑफिशियल जियो ने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब जो भी आप लोगों के पास जियो का 4G सिम कार्ड है, क्या आप लोगों को 5G में अपग्रेड करना होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जियो ने कल ही इस बात को लेकर यहाँ पर बताया है कि आपको 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जियो के यूजर हो, जियो का सिम कार्ड यूज करते हो, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जियो और एयरटेल ने, दोनों कंपनियों ने यहां पर अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है कुछ चुनिंदा सिटीज में। अब इसको लेकर इनमें से काफी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए एक नया 5G सिम लेना पड़ेगा। तो वही कुछ लोग कहते हैं कि आपका पुराना ही सिम 5G नेटवर्क देगा और आपको नया सिम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी कारण यूजर समझ ही नहीं पाता कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो दोस्तों, खुद यहाँ पर जियो ने आकर इसका जवाब दिया है। जियो ने ट्वीट करके साफ किया है कि ग्राहकों को जियो की 5G नेटवर्क की सेवा के लिए कोई नया सिम लेने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना सिम ही आपके फोन में 5G तेज स्पीड पहुँचा देगा, जिसको जियो ट्रू 5G कहा जा रहा है। रिलायंस जियो ने अपनी जियो ट्रू 5G सेवा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में लॉन्च कर चुकी है। और जियो ने ट्वीट करते हुए एक इमेज भी शेयर किया है, जिस पर उन्होंने बताया है, योर जियो सिम इज 5G रेडी, योर मॉम्स डैड एंड फ्रेंड्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि आपके मॉम्स के पास या आपके डैडी के पास या आपके फ्रेंड्स के पास जो भी सिम कार्ड है वो यहाँ पर 5G रेडी है। आपके अगर एरियाज में 5G नेटवर्क आ चुका है, आपके एरियाज में लॉन्च हो चुका है, तो आप जो भी पहले से 4G सिम कार्ड यूज करते चले आ रहे हो जियो का, तो आप उसमें ही 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हमको 5G इस्तेमाल करने के लिए नया सिम कार्ड लेना होगा या हमको यहाँ पर हमारी जो भी 4G सिम कार्ड है उसको 5G में अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पर जियो ने साफ कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अगर 4G सिम कार्ड है तो आप लोग उस पर 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर पाओगे, जिन भी एरियाज में जियो ने अपना 5G नेटवर्क लॉन्च किया है उन सिटीज में। तो चलिए दोस्तों, वैसे आप सभी लोगों को पता लग गया होगा, आशा करता हूं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय।